हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, आरपीएससी से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आरपीएससी ने 21 मई 2023 को होने वाली सहायक अभियंता सिविल परीक्षा के प्रवेश पत्र किए जारी। अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड। देखिए खबर को विस्तार के साथ में। दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है और आप देख सकते हैं ये आज यानी 18 मई 2023 को जारी किया गया है और ये किससे रिलेटेड है, ये सहायक अभियंता सिविल एग्जाम से रिलेटेड है, जिसका आयोजन 21 मई 2023 को अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। तो पूरी न्यूज आप जो है विस्तार के साथ में देखिए। आयोग द्वारा सहायक अभियंता सिविल स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 21/5/2023 को दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक अजमेर एवं जयपुर जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं, अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र समय अंतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। तो आप एसएसओ पोर्टल पर जाके, आयोग की वेबसाइट पर जाकर के, फिर एसएसओ पोर्टल पर जाकर के और अपने एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको एग्जाम के 1 घंटा पहले सेंटर के अंदर एंट्री कर लेनी है। अगर आप लेट हो गए तो फिर आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना। आगे देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो अगर आप 1 घंटे के बाद में आते हैं तो आप परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं, इसलिए 1 घंटा पहले ही एग्जाम सेंटर पर जाने की पहुंचना है। ठीक है, आगे देखिए, अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर जाकर आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर और जन्म दिनांक से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एग्जाम का जो परमिशन लेटर है, एडमिट कार्ड है, वो आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड करेंगे और उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, आवेदन पत्र क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था इस एग्जाम का उसका एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ, इन दो चीज़ों से जो है आप अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है, साथ ही अभ्यर्थी ये जो साइट है इस पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर के उपस्थित हों। महत्वपूर्ण बात है, आपको एग्जाम सेंटर के ऊपर अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और वो भी रंगीन प्रिंट के अंदर लेकर के उपस्थित होना है। ब्लैक एंड व्हाइट जो आधार कार्ड है वो मान्य नहीं होगा और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी मान्य नहीं होगी। ओरिजिनल आपका आधार कार्ड, रंगीन जो प्रिंट है वो आपको सेंटर पर एग्जाम के साथ में लेकर के जाना है। दोस्तों, मैं आपको सलाह देता हूं पर्सनल, इसके साथ साथ आपको ओरिजिनल आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी एग्जाम सेंटर पर साथ लेके जानी है, क्योंकि वो फोटोकॉपी भी मांगते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास में इन केस ओरिजिनल आधार कार्ड की रंगीन फोटो प्रिंट नहीं है तो फिर आप अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं पहचान के लिए वो क्या क्या ले जा सकते हैं वो देखिए आगे डिटेल। ये देखिए आगे, मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश अनुमत किया जा सकता है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कोरोना यानी कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करें। तो अगर आपके पास में ओरिजिनल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट नहीं है, उस सिचुएशन में आप जो है मतदाता पहचान पत्र लेके जा सकते हैं ओरिजिनल,
या पासपोर्ट है तो वो आप ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप ओरिजिनल लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास में ओरिजिनल ये जो पहचान ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, प्लस एक उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, वरना इसके अभाव में आपको परीक्षा के अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एग्जाम से जुड़ी हुई सहायक अभियंता सिविल एग्जाम से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आरपीएससी से जुड़ी हुई, कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी हुई और अन्य अपडेट जो है वो आपके पास में समय पर आ सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।